साथ में सना माशाल्लाह दोनों माँ बेटी। आज मैं और मेरी वाइफ शानी जा रहे हैं पोस्टर किया। आज मेरी वाइफ ने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और चूड़ियाँ चूड़ियाँ भी पहननी है। कितने साल के बाद पहन रही हो? बहुत साल हो गए तुम्हें। बस उसके बाद पहननी पहननी। चलो, काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए, तो एक हमारी सब्सक्राइबर भी बोला है कि जो है ना शानी, आपने चूड़ियाँ लाजमी पहनी है, तो उनकी ख्वाहिश पे हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, उनकी ख्वाहिश पे जो भी बोलते हैं तो उन्हें वो करना पड़ता है, क्योंकि वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखना पसंद करती हैं। तो चलते हैं, मैं पोस्टर किया और वहाँ की रूटीन भी आपके साथ ज़रूर शेयर देख माशाल्लाह कितना साफ साफ से हम जा रहे हैं शहर आनंदपुर सिटी। फिर हम पहुंच गए आनंदपुर शक्या, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा के फिर आएगा, फिर बाजार जाऊंगी। हम पहुंच गए आनंदपुर शक्या, ये देखें दूल्हा साहब पहले से आ गए। दूल्हे साहब आप क्या करने आए हो? सामान वगैरह सही टाइम पे मिलिए। हाँ आप सही टाइम पे मिलिए मुझे। कोई काम है? हम बताएं। काम ये था मुझे जो ना ये बताएं कि यहाँ पर बाजार का है। हाँ बाजार किस तरफ से? बाजार वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह। आज तो पक्का रिस्क लग रही है आप। क्या कर रहे हैं यार? ये लगते हैं आप बहुत सारे मुझे कमेंट। कोई अरसे के बाद वकार। हाँ दाढ़ी कटवाए, दाढ़ी कटवाए, चलो मैं घर चलो। आज आप फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं। बड़ा बड़ा जागा है। हाँ क्या नहा के भी आया ना आज सर्दी में? ये जो आपने शेविंग की ना आज फुल फ्रेश लग रहे हैं आपको। ये देखें भाई दूल्हे साहब ये बाजार आए हुए हैं पहले से, इनके मेहमान आ रहे हैं कराची से, उनको लेने आए हैं। फैमिली बाजार पहुँचे, इधर देखें माशाल्लाह रश बहुत रश लगा हुआ है। फैमिली बाजार पहुँचे और मेरे और दूल्हे साहब भी पीछे आ रहे हैं। जाके बाजार जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ लेनी है। उनका सामान भी दूल्हे साहब वाला, दूल्हे साहब का सामान भी लेना है। जाके देखती हूँ क्या क्या चीज़ लेनी है। फिर आज शाम होगी, कल वाली तरफ आज फिर शाम होगी। से जावा सामने से लग गया हूँ इनसे, जहाँ इधर देखे सेज भी दूल्हे साहब की लेनी है, सामने से लटकी हुई है। इधर देखे माशाल्लाह प्यारी है। अभी मैं मेरी वाइफ और आमिर पहुंच गए सेज वाले दुकान पे और यहाँ से लेते हैं सेज का सामान, जो कि दूल्हे साहब की सेज बनानी है, तो यहाँ से लेते हैं और देखते हैं कौन सी लेते हैं कैसी लेते हैं। सेज वाले दुकान के बाद अभी पहुंच गए हम चूड़ियों की दुकान पर और यहाँ से जाना मेरी वाइफ पहने की चूड़ियाँ, तो चलती हैं। मेरी वाइफ बैठी हुई है तो वो सेलेक्ट कर रही हैं और देख रही हैं कौन सी चूड़ियाँ पहनी कौन सी नहीं पहनी। तो माशाल्लाह काफ़ी सारी प्यारी हैं, माशाल्लाह काफ़ी सारी प्यारी इधर चूड़ियाँ। देखते हैं इनमें से कौन सी चूड़ी मेरी वाइफ को पसंद आती है और कौन सी नहीं, तो देख रही हैं और चूज़ कर रही हैं। और भाई साहब ये दिखा रहे हैं माशाल्लाह, जो कच वाली चूड़ी होती है ना वो अच्छी होती है। तो पता नहीं मुझे क्या नहीं मुझे। ये रेड ग्रीन ये वाली पसंद आई उसको, जो इनके दौर में थी पुराने दौर की चूड़ियाँ, 20 साल पहले वाली चूड़ियाँ। तो देखते हैं यही पसंद है आपको? तो ये मेरी वाइफ को पसंद नहीं आई, इनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। ये जो है ना मेरी वाइफ ने ये वाली पसंद की, पहले वो कह रही थी ये अच्छा है, लेकिन जब ये देखी तो मैंने कहा ये पहने ये बहुत प्यारी है, उनसे ये प्यारी है। अभी जो है ना रेट की मुकम का और ये माशाल्लाह से जो ना बहुत ही प्यारी चूड़ी है, वो चूड़ी बहुत ही प्यारी है। आप देखें बहुत ही प्यारी है, जब हाथों में पहने की मेरी वाइफ तो बहुत ही प्यारा लगेगी। अभी जब मेरी वाइफ पहन रही है वो वाली चूड़ी जो मैंने पसंद की है माशाल्लाह, वो बहुत ही प्यारी है, वो पहन रही है और भाई साहब उनको पहना रहे हैं, क्योंकि उनको पहनाने का तरीका और तजर्बा होता है। हम अगर पहनाएं तो वो टूट जाती हैं। देखा एक टूट भी गई मेरे ख्याल में, देखा एक टूट भी गई, तो इनको तजर्बा होता है, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है।
मुझसे रहने के बाद भी मेरी वाइफ आई हुई है जूतियाँ वाली की दुकान, और यहाँ से जो है ना लेनी है जूती मेरी बहन के लिए, शबाना के लिए, तो उनके लिए अच्छी सी जूतियाँ सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं, पसंद भी कर रही है मेरी वाइफ, देख भी रही है, वो सामने खड़ी हुई है। मैंने सारा खरीद लिया है, तो अभी मोटे मोटे किलो वाला आया हुआ था, देखिए माशाल्लाह बहुत ही मोटे मोटे किलो हैं, तो यहाँ से हम लेते हैं किलो घर के लिए, खाएंगे मज़ा आएगा, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है तो इसको खाना लाजमी चाहिए, और बहुत ये इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और आए भी मोटे मोटे ज़बरदस्त किलो भी हमने खरीद लिए हैं। अभी आ गए हैं समोसे पकौड़ों की दुकान पर, और यहाँ से लेते हैं गर्म गर्म समोसे पकौड़े तो नहीं, और नान वगैरह लेंगे, तो भूख भी बहुत लगी हुई है, भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, अभी 4 बजने वाले हैं, तो काफ़ी भूख लगी है, तो भूख को मिटाते हैं, और जो है ना सर्दी भी बहुत है, तो गरम गरम समोसे पकौड़े खाएंगे, सर्दी भी भागेगी और मज़ा भी आएगा, इंजॉय भी करेंगे और भूख भी बढ़ जाएगी, तो लेते हैं यहाँ से। अब क्या खाओगी? बस, और नान? नान नहीं खाना आज? समोसे ले लेते हैं, एक नान ले लेते हैं। लो ये भाई साहब हमारे आ गए गर्म गर्म समोसे, और ये रहा गर्म गर्म नान, इस पे भाई साहब बहुत सारा चीज़ें रख लगी होती हैं, ऊपर चटनी भी है, और मेरी वाइफ का मज़ा आ रहा है, और इसके ऊपर मसाला भी डाला हुआ है, ये देखें तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और स्पेशल उन्हें बना के दिया है, उनको पता है ना ये यूट्यूबर है। अच्छा चलो यहाँ से अभी हम खाते हैं, इसके बाद जो है ना आगे चलेंगे, और जो भी आगे की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमने जो है ना खा लिया है समोसे और नान, और मेरी वाइफ अभी घर के लिए ले रही हैं, तो ये लेके फिर आगे चलते हैं, आगे की जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे, समोसे और पकौड़े घर के लिए, बच्चों के लिए, अनिशबा के लिए, और जो है ना सुहेल मुजम्मिल वालों के लिए, नैना के लिए, तो मेरी वाइफ ने ले लिए हैं, अभी चलते हैं आगे। समोसे पकौड़े लेने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बर्गर वाले के पास, और मुजम्मिल ने कहा था कि मेरे लिए ना बर्गर लेके आना, तो मुजम्मिल के लिए एक अदद बर्गर पार्सल करवाते हैं, फिर चलते हैं आगे। चाहते हैं अल्लाह करे अच्छे रेट में मिल जाए काशिप को मोटरसाइकिल, शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह हम बैक हमारी अलग कर लेंगे, बहुत परेशानी होती है, सुहेल और मुजम्मिल अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और मोटरसाइकिल बैक हमारी अलग होगी। सुहेल मेरा भी नहीं आ भी गया मोटरसाइकिल का पता करके, आ भी गया, क्या हुआ पता किया? क्या पता किया, क्या क्या हुआ? 2,34,000 बता रहे हैं। हाँ, और उसके कागज वगैरह रंग के 2.5 लाख तक पहुँचे। 2,34,000, 2.5 लाख, 10-12-15 हज़ार वो लग जाएंगे ना उसके कागज वगैरह। हाँ, 2.5 लाख का। चलें, हमने पूरा सामान ले लिया, मुकम्मल सामान ले लिया है, अभी चलें, सारा काम फाइनल हो गया ना, घर का सामान, राशन भी ले लिया, किलो भी ले लिए, कोई माचिस भूल गया, वो लेके आता हूँ। नहीं, लेके आता हूँ, फिर मसला नहीं, चलो, दुकान से था, तो क्या देखते हैं भाई साहब के मोटरसाइकिल हमारी हो गई पंचर, और अभी मैं आया हूँ पंचर वाली दुकान पर, ये पंचर वाली दुकान, और यहाँ से लगाता हूँ पंचर, ये तंग बहुत करती है, क्या करें, और जो है नई मोटरसाइकिल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, बार बार पंचर भी होती है, नया टायर बीच में बदला गया था लेकिन फिर भी पंचर हो रही है, पता नहीं क्या मसला इसका, रिम का मसला है क्या मसला है, तो पंचर लगवाने के बाद फिर आगे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पंचर लग चुका है, अभी जो है ना मिस्त्री साहब जो है ना इसके अंदर धूप डाल रहे हैं, फिर हम चलेंगे घर, काफ़ी देर भी हो गई है, सिर का टाइम तकरीबन हो चुका है, देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मेहंदी लगवा के आई मेरी वाइफ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, कहाँ से लगवा के लाई? पार्लर वाली से। वाह जी वाह जी वाह, बहुत ही प्यारी है,
और चूड़ियाँ जब ये सूख जाएंगी फिर मजा करेगी। अभी थोड़ी देर है, जब आप तैयारी करोगी ना फिर पूरा व्लॉग मैं शूट करूँगा। अरे भाई साहब क्या बात है शानी काशिफ, क्या बात है, क्या बात है शानी काशिफ। अब देखें सब अपनी तैयारी में लग गए हैं, माशाल्लाह नैना कितना तैयार हो गई। वो नैना इधर देखें, मेरे से पहले तैयार हो गई नैना, देखें ऊपर से देखो। वो माशाल्लाह उधर देख क्या पहना हो गया, ये पापा की परी है। पापा की परी, पापा की परी है नैना, देखें ऊपर देख, पापा की परी को देखो, पापा की परी को, वाह ये है पापा की परी। माशाल्लाह नैना को देखें, ये बिल्कुल पापा की परी, वाह जी वाह माशाल्लाह नैना, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। ऊपर देखो स्माइल प्लीज। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो नैना, बहुत प्यारी लग रही हो, स्माइल प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह आज मुजम्मल मेरे हाथ में लग गया, इधर देखें तैयार होने लग गया माशाल्लाह। मुजम्मल इधर देखें, आप तैयार रोज नहीं होता, रोज सारा दिन भाग जाते हो, शायद रात को जब भी देखो इतने हमें कमेंट आए, इतने कमेंट आए। आप जो है ना मुजम्मल को क्यों नहीं नए कपड़े पहनाते, क्यों आप भाग जाते हो, हम कहाँ को ढूंढे। शुक्र है आज बड़ी मुश्किल से ढूंढ के ले आई, हाँ बहुत ही मुश्किल से, क्या करें खेलने के ले जाते हैं ना। वाओ सारे तैयार हो गए माशाल्लाह, सारे तैयार हो गए, मुजम्मिल माशाल्लाह सबसे नंबर वन पे है। वाओ माशाल्लाह नजर किसी के ना लगे मुजम्मिल आपको, वाओ जूते देखिए, क्या बात है माशाल्लाह, जच रहे हो मुजम्मिल आप। पता ही मुजम्मिल भीग रहा था, आठ दिन भीग रहा था, नई तैयारी कर रहा था, बहुत सियाणा है मुजम्मिल, बहुत समझदार है। वो बोल रहा था मैं एक ही बात तैयार करूंगा और आगे लेके जाऊंगा, सब जरा पहली बार कोई चीज भी हो तो हाँ जो पहली अच्छी लगती है, हाँ। अगर वो जैसी भी अच्छी लगती हो लगती है तो मुजम्मिल ने पहली बार तैयार हुआ है। सात दिन पूरा उसने इंतजार किया, आठवें दिन जब रूप में आया निकल गया, निकल गया, माँ का तो दिल खुश कर दिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी सूट लग रहा है, सर्दी भी नहीं लगेगी। और ये किसकी चॉइस है, किसकी चॉइस है, ये अबू और अम्मी की चॉइस है, दोनों की। ज्यादा चॉइस किसकी है, तुमने दूसरे वाली कहा तेरी माँ ने, मैंने कहा नहीं ये आप जीतेगी। हाँ ये ब्लैक होता ना, ब्लैक रंग वैसे ही जाता है। अबू असल कहते देखते हैं आप सबसे ज्यादा कौन अच्छा लग रहा है, आप देखो। YouTube फैमिली बताना प्लीज प्लीज, कमेंट में बताना इन्हें तीनों से कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुहेल आप कुछ बताएंगे, आप कुछ बताएंगे, नहीं मैंने जो बताना था वो पहले बता लिया। मैचिंग मैचिंग देखो, मैचिंग मैचिंग थोड़ा सा आप डिफेंस से, हमारे सब्सक्राइबरों ने बोला था कि आप सबने मैचिंग मैचिंग करनी है, हाँ। तो हमने फिर ऐसे ही किया है मैचिंग मैचिंग, काला काला काला, आगे देखते हैं आगे भी काला है आपको इंशाल्लाह मिलेगा, हाँ। मेरे व्यू है, हाँ। पांच मिनट सबर करो मैं तैयार हो, हाँ, के आपको दिखाती हूँ जो आपसे ऊपर जाऊंगी। सिर्फ नैना जो है ना वो पापा की परी बन रहा था उसको, इसलिए हमने उसको पापा की परी बनाया। हाँ ये पापा की परी है, आप तीनों मैचिंग मैचिंग हैं, मैं जब तैयार हो के आऊंगी आप तो फिर मेकअप भी लगाती हो, हम तो मेकअप नहीं लगाते वो हमारे ओरिजिनल निखार है हमारा, अगर मेकअप ना लगा तो फिर देखते कौन खूबसूरत है। मैं सैलून में चला जाए बस, मुजम्मिल क्या मम्मा की रिजल्ट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हर लड़की हमेशा मेकअप लगाते हैं, मेकअप लगाए फिर देखते हैं। वो मुजम्मिल कितना समझदार है, कितना समझदार है मुजम्मिल। सुहेल और मुजम्मिल के जूते तो दिखाएं, वो माशाल्लाह माशाल्लाह आप किसी की नजर न लगे, फिर लगती तो नहीं ब्लैक ब्लैक सूट पहने हुए, क्या पता लग भी जाए, हाँ ये पता नहीं है क्योंकि पहली बार इतना फंक्शन पे आप तैयार हो गए। अभी मेरी वाइफ बिल्कुल तैयार हो गई है, रेडी हो गई है, और साथ में सना माशाल्लाह दोनों माँ बेटी इकट्ठे खड़ो ना, दूर दूर खड़े हो, थोड़ा सा इधर हो जाओ पूरी यानी के मुकम्मल माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी सना लग रही है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी, और सूट देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये मेरी पसंद है बाबा, हाँ बेबी पिंक, और माशाल्लाह माँ बेटी दोनों का मुकाबला सख्त है, और तीसरी अब दूसरी बेटी रिजबा आएगी, फिर वो भी मुकाबला होगा इंशाल्लाह, देखें आज कौन जीतता है। माशाल्लाह दोनों बहुत ही प्यार लग रही हो, और सूट काला, सबके काले सूट,
एक सना ने ये वाला लिया है, बस उस दिन ले भी रही थी बस चूक गई, लेकिन वो अच्छा इतना नहीं देखे, हाँ ज्यादा वो नहीं सूट करता। और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से, और जूता भी मैच किया, वाह भाई वाह, और आपने मैच किया, सब मैचिंग मैचिंग स्वेल में और सब काला काला, हाय हाय ये हो गया पूरा परफेक्ट काम। चलो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारा लुक। और माशाल्लाह से मेरी भांजी महक और मेरी वाइफ और सनिया ये भी बिल्कुल तैयार हो गया, सब मैचिंग 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 माशाल्लाह। तो यही पे अपना व्लॉग भी एंड करता हूँ, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, और पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल के नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।